कसड़ा कोतवाली पुलिस व एसओजी की टीम ने रविवार की सुबह 9:30 बजे मुखबिर की सूचना पर सिदागर घाट के समीप छापा मारकर डीसीएम व स्विफ्ट डिजायर वाहन को अपने कब्जे में लेकर उसमें रखे आलू की बोरियों के नीचे छिपाए गए 500 शीशी के साथ कुल 155 पेटियों से लगभग 85 लाख रुपए के 1395 लीटर हरियाणा निर्मित अंग्रेजी अवैध शराब बरामद कर लिया है। पुलिस ने वाहन में बैठे 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि बलिया से सटे विभिन्न जनपदों के रास्ते शराब की तस्करी काफी दिनों से की जा रही है और ये शराब बिहार ले जाई जा रही थी। उन्होंने पूरी टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। जनपद बलिया के थाना रसड़ा में वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहन पकड़े गए, एक डीसीएम और एक स्विफ्ट डिजायर। इनमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जिनके कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब जो हरियाणा में निर्मित थी और हरियाणा में ही बिक्री के लिए थी, उनको पकड़ा गया है। कुल 155 पेटी शराब है जो लगभग 1400 लीटर है, जिसका बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 85 लाख रुपये है। इन सभी को गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विगत 10 दिनों में बलिया पुलिस द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब में सराहनीय कार्य करते हुए थाना कोतवाली बलिया, थाना हल्दी, थाना बैरिया और आज रसड़ा में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है और अभियुक्त गण को गिरफ्तार करके गाड़ियों को जब्त किया गया है और आगे भी इनकी जब्तीकरण की कार्रवाई होगी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।